दीपावली पर भी नगर के बाजार गुलजार दिखे। रविवार को शहर के बाजारों में चहल पहल रही। सजावटी सामानों, मिट्टी के दिए, भगवान गणेश, मां लक्ष्मी की मूर्तियां, फूल माला खरीदने के लिए काफ़ी संख्या में लोग निकले। इसके अलावा मिठाई की दुकानों पर भी भारी भीड़ दिखी। विशेषज्ञों की मानी जाए तो दीपावली पर करोड़ों रुपयों की मिठाई की खरीदारी हुई। कहते हैं मिठाई के बिना हर पर्व फीका सा लगता है, खासकर दीपावली में इसकी मिठास पर्व में खुशियाँ खोल देती है। दीपावली को देखते हुए मिठाई के बाजार सज रहे। वैसे तो मिठाई की दुकानों में रौनक धनतेरस से ही चटकने लगती है। दीपावली पर्व पर जब तक घर में मिठाई का डब्बा ना आ जाए त्यौहार का मजा ही नहीं आता। मिठाई हमारी संस्कृति का अंग है। कोई भी उत्सव बिना मिठाई के तो पूरा हो ही नहीं सकता। दिवाली की मिठाई तकरीबन हर जगह भगवान के भोग के बाद ही परोसी जाती है। हर कोई बतौर तोहफा मिठाई देकर एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं देता है। गिफ्ट देने का चलन दीपावली के कुछ दिनों पूर्व ही शुरू हो जाता है। बनारस में मिठाई की कई प्रमुख दुकानें हैं। इनमें से एक लोहराबिर स्थित बसंत बहार अपने परंपरागत मिठाई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ शुगर फ्री मिठाई के साथ ही साथ हर तरह की मिठाइयाँ ग्राहकों की विशेष पसंद रही। हमारे यहाँ करीब 100-150 वरायटी की मिठाइयाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ एक गोल लड्डू हो गया स्पेशल आइटम, और शाही पेड़ा है, लाल पेड़ा है, और बूंदी की लड्डू है, और हैम्पर में जैसे हमारे यहाँ गिफ्ट के आइटम है, जैसे कि ड्राईफ्रूट हो गया, और मिठाइयाँ के ढेर सारे गिफ्ट के आइटम है, बॉक्स लगा है, जैसे कि काजू है, खोए का, और देसी घी का है, और उनका ड्राई मीठा भी है, छेना खोआ मिक्स भी मिलता है। सारे आइटम जैसे घी के हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ सारे आइटम घी का।